प्रेगनेंसी में अगर आप केसर का सेवन कर रहे हैं, स्पेशली गर्मियों में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको या आपके बच्चे को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत ही कॉमन चीज़ जिसका सेवन गर्भावस्था के दौरान हर औरत करती है, वो है केसर। केसर के बारे में, वैसे तो केसर के बारे में हम सबको पता है कि इसको गोल्डन स्पाइस कहते हैं और ये काफ़ी कीमती मसाला होता है, लेकिन ये बात सच है कि ये जितना कीमती होता है उतने ही गुणों से भरपूर होता है। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान हमने अक्सर सुना होता है कि अगर आप केसर का सेवन करते हैं तो बच्चा गोरा होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि विज्ञान इस बात को नहीं मानता है, लेकिन केसर में वाकई इतने सारे गुण होते हैं ना, कि अगर आप गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको और आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा, चाहे उसका मानसिक विकास हो या आपका मानसिक संतुलन। मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हम लोग बहुत सारे अप एंड डाउन से गुजरते हैं, स्पेशली हमारे दिमाग में तनाव, बहुत सारी चिंता, टेंशन, ये सारी चीज़ें जो चल रही होती है, जो हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करता है केसर। जी हाँ, बहुत ही पतला सा छोटा सा एक रेसे जैसा स्पाइस जो आपके लिए बहुत ही गुणकारी होता है, फ़ायदेमंद होता है। बट हम बात कर रहे हैं गर्मियों में अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों में केसर नहीं ले सकते हैं, या फिर ये भी सही नहीं है कि आप पूरे गर्भावस्था के दौरान केसर का सेवन कर ही सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में यही बात करने वाले हैं कि केसर को हमें कब से शुरू करना चाहिए, कब हम केसर वाला दूध पी सकते हैं और केसर वाले दूध से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, कब हमें केसर वाला दूध नहीं पीना चाहिए और हमें कितनी क्वांटिटी में केसर वाला दूध लेना चाहिए ताकि हम और हमारा बच्चा बिल्कुल सेफ रहें और हमारी डिलीवरी जो है बहुत आसानी से हो जाए, अच्छे से हो जाए और केसर से मिलने वाले सारे गुण हमें प्राप्त हो जाए, मतलब अच्छे से मिल जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि केसर वाला दूध या केसर हम कब से लेना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, केसर का जो तासीर होता है ना, वो काफ़ी गर्म होती है और हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन तेज होता है, हमारे सारे ऑर्गन्स थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो बीपी हुआ और हमारा जो टेम्परेचर हुआ बॉडी का, ये थोड़ा सा हायर साइड में रहता है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। और चूंकि केसर का तासीर काफ़ी गर्म होता है तो ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग के 3 महीने केसर लेना शुरू कर देते हैं। तो जो मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस होगी कि स्टार्टिंग के 3 महीने यानी पहली तिमाही में आपको केसर बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप केसर लेते हैं तो ये काफ़ी गर्म होता है, आपकी बॉडी को और ज़्यादा गर्मी देता है, जिससे आपके गर्भपात होने का जो चांस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बेबी जो है ना वो स्थिर नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे तिमाही की, यानी 4थे 5वें 6वें महीने के, उस टाइम पर जब आपको लगे कि आपका बेबी वैसे काफ़ी हद तक स्थिर हो चुका रहता है, इस टाइम पर दूसरे तिमाही में आपके गर्भपात का चांसेस कम हो जाता है, तो आप केसर का सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तीसरे तिमाही की, तो कोशिश करिए तीसरे तिमाही में भी केसर का वाला जो दूध है उसको थोड़ा लिमिट में कर दो। कितना लिमिट करना है मैं आगे बताऊंगी, तो उसकी क्वांटिटी कम कर दो, क्योंकि केसर जो होता है ये संकुचन को भी बढ़ाता है, यानी अगर आप केसर की क्वांटिटी को तीसरे तिमाही में ज़्यादा ले लेते हैं तो भी प्री मेच्योर बेबी होने के चांसेस को बढ़ा सकता है, हो सकता है आपकी पहले ही डिलीवरी हो जाए, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। अब हम बात करेंगे कि केसर हमें कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, केसर हमें कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए, चाहे वो केसर या केसर वाले दूध की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, गर्मी और ठंडी में दोनों में केसर लेने की क्वांटिटी अलग अलग होती है, क्योंकि ठंड में केसर हल्का गर्म तासीर का होता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन गर्मी में ऑलरेडी गर्मी है, आपकी बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा ऊपर है, उसमें अगर आप गर्म चीज़ खाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कितना खाना चाहिए। देखिए, केसर का जो एक रेसा होता है ना, उसमें भी इतने ही गुड़ होते हैं, जब बड़ी क्वांटिटी में केसर होता है तो केसर का एक रेसा
भी काफ़ी गुणकारी होता है और वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आपको गर्मी में अगर केसर लेना है तो आप मुश्किल से 1 इंच का, ठीक है, 1 इंच का केसर, 1 या 2, सिर्फ इतने रेसे ही आप ले सकते हैं, मैक्सिमम 2, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करिए एक ही रेसा लेने का। वहीं अगर ठंडी में मैं बात करूँ तो आप 4 से 5 केसर के रेसे ले सकते हैं, लेकिन 1 इंच लंबाई के ही। तो इस तरीके से ठंडी और गर्मी में आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि कितना केसर लेना है। अब हम बात करते हैं कि केसर को कैसे लेना है या केसर वाला दूध कैसे बनाना है। तो देखिए, और कब लेना है ये भी, तो कोशिश करिए केसर वाले दूध को आप रात में ही लीजिए, सोने से पहले केसर वाले दूध को लीजिए। आपने क्या करना है, दूध को बॉयल करना है अच्छे से। बॉयल करते हुए जब वो अच्छे से एक बॉयल आ जाए ना, उसके बाद आपको 1 रेसा केसर का उसमें डाल देना है। 3 से 4 मिनट तक उसको उबलने दो, उसके बाद ठंडा हो जाने दो, बिल्कुल ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, और अगर आप चाहो तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हो, इतना ठंडा आराम से करके, और आप केसर वाला दूध पी के सो सकते हैं। बिल्कुल ठंडा नहीं पीना है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल गरम गरम दूध आपको नहीं पीना है तो आप कर सकते हो। और रात में लेंगे तो एक अच्छी नींद हो आएगी आपको, थोड़ा सा आपका टेंशन कम होगा, डिप्रेशन कम होगा। तो इस तरीके से केसर वाले दूध को आप बना सकते हैं और रात में आप पी सकते हैं। साथ ही में मैं आपको एक और बात बताऊंगी, अगर आपको जलन, हार्ट बर्न की समस्या है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपको गले में जलन रहती है, एसिडिटी की समस्या है, बहुत ज़्यादा पेट में जलन रहता है, तो भी केसर वाला दूध आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कैसे, आपको सेम केसर वाला दूध वैसे ही बनाना है, फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट। उसके बाद सुबह जब आप उठते हैं ना, तो ब्रश करके पहला चीज़ जो आपको खाना है वो केसर वाला दूध ही पीना है, ठीक है। तो उससे आपको एसिडिटी की समस्या भी कम हो जाएगी, आपके हार्ट बर्न की समस्या कम हो जाएगी, गले में जो जलन होती है, ये सारी समस्याओं से आप काफ़ी हद तक निजात पा लेंगे। तो आप केसर वाले दूध को रात में भी पी सकते हैं और सुबह सुबह उठ के ठंडे दूध को भी आप पी सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि केसर वाला दूध अगर आप लेते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, एक फ़ायदा तो मैंने पहले ही बता दी कि बहुत अच्छी नींद आती है। साथ ही में प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हो जाता है, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, टेंशन होता है, तो केसर आपके तनाव को भी दूर करता है, टेंशन को कम करता है। अगर आपको डिप्रेशन में आप जा रहे हैं तो भी केसर वाला दूध आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में सूजन है, जी हाँ स्वेलिंग है, पेट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पेट में ऐंठन होता है या फिर मांसपेशियों में ऐंठन होता है, ऐंठन की समस्या अक्सर पैरों में होती है सोते समय, तो अगर इस टाइप की कोई भी समस्या आपके साथ हो रही है तो आप बिल्कुल केसर वाला दूध लीजिए। उससे आपको इन समस्याओं में काफ़ी आराम मिलेगा और तनाव में, डिप्रेशन में और चिंता जो आप बहुत ज़्यादा करते हैं, या मॉर्निंग सिकनेस होती है, उल्टी मिटली की समस्या आपको बहुत ज़्यादा रहती है, तो भी ये केसर वाला दूध आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आप बिल्कुल इसको बेझिझक होके ले सकते हैं, लेकिन गर्मी है तो 1 रेसे से ज़्यादा आपको केसर नहीं लेना है। अगर आपको दूध में लेने में प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है, दूध से स्मेल आती है, तो आप केसर को अपने सब्जी में या फिर आप खीर बना सकते हैं। अगर खीर भी आपको नहीं खाना है तो आप अपने दाल में भी केसर ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी और टाइम आपको ध्यान देना है। कोशिश करिए रात में लीजिए या सुबह ले लीजिए, नहीं तो आप दिन में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर रात में लेते हैं तो एक अच्छी नींद आपको जरूर देगा केसर वाला दूध। अब हम बात करते हैं कि क्या केसर वाला दूध लेने से बच्चा गोरा पैदा होता है। तो देखिए, साइंटिफिक कोई तरीका नहीं है इस चीज़ को प्रमाणित करने का, या यह 100% सटीक नहीं है, ये अनुमान है। बड़े बुजुर्गों का मानना है कि केसर वाला दूध लेने से आपका बच्चा जो होता है गोरा होता है, आपका कलर निखरता है। तो देखिए, केसर में ये गुण तो होता है कि आपके रंग को थोड़ा सा गोरा कर देता है, और भी बहुत सारे गुण होते हैं। और देखिए, अगर बच्चा गोरा नहीं भी हो रहा है, आपका रंग अगर नहीं भी निखर रहा है, तो कम से कम आपका डिप्रेशन, तनाव, ये सारी चीज़ें जरूर दूर हो रही हैं, एक अच्छी नींद आपको जरूर मिल रही है। तो केसर वाला दूध आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ इसमें दी हुई जानकारियों को आप ध्यान में रखेंगे
और एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो स्पेशली मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, अच्छी हैं काफ़ी, उन्होंने ये कमेंट किया था कि केसर वाला दूध कब लूँ, लेना शुरू करूँ कि नहीं। इसलिए मैंने इस पर सोचा क्यों नहीं इस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूँ और सबको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। तो वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।